दोस्तों आपके सामने है ओप्पो रिनो जेड। सबसे पहले बात करते हैं इसकी डिजाइन की, तो यहाँ पर आपको ओप्पो रिनो के जैसा ही डिजाइन मिलेगा। वही आपको 3D कर्व डिजाइन मिलेगा जो कि ग्लोसी ग्रेडियंट फिनिश के साथ आएगा, और बैक पे आपको मिलेगा डुअल रियर कैमरा। और अगर फ्रंट की बात करें तो यहाँ पर आपको मिलेगा 6.4 इंचेस का फुल HD प्लस वाटर ड्रॉप नॉच वाला डिस्प्ले जो कि एक सुपर अमोलेड पैनल होगा, और आपको इस फोन में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिलेगा। बात करें इसकी प्रोसेसर की तो यहाँ पर आपको मिलेगा मीडियाटेक हीलियो P90 वाला प्रोसेसर जो कि स्नैपड्रैगन 712 से भी ज़्यादा पावरफुल है, और उसके साथ ही यहाँ पर मिलेगा एंड्रॉयड पाई का सपोर्ट। बात करें इसके वेरिएंट की तो यहाँ पर अभी तक सिर्फ एक ही वेरिएंट की डिटेल्स है जो कि 8GB रैम 128GB मेमोरी के साथ आएगा। अब बात करते हैं कैमरा की, तो इसमें आपको मिलने वाला है डुअल रियर कैमरा जिसका मेन सेंसर होगा 48 मेगापिक्सल का जो कि सोनी IMX586 वाला सेंसर होगा, और जिसका अपर्चर होगा 1.7, और इसका साथ देने के लिए आपको एक 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर भी मिलेगा। बात करते हैं फ्रंट की, तो फ्रंट में आपको मिलने वाला है 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। और अब बात करते हैं बैटरी की, तो इसमें आपको मिलेगा 4035 mAh की बैटरी जो कि वूक फ्लैश चार्ज 3.0 सपोर्ट के साथ आएगा, और उसके साथ ही यहां पर आपको 20 वाट का फास्ट चार्जर बॉक्स के अंदर ही मिल जाता है, और यहां पर आपको 3.5mm का ऑडियो जैक और टाइप सी का पोर्ट भी मिल जाएगा। तो दोस्तों बात कर लेते हैं अब इसकी लॉन्च डेट की, तो दोस्तों ये फ़ोन 22 अगस्त को लॉन्च हो सकता है। तो दोस्तों इंतज़ार करते हैं ये फ़ोन लॉन्च होने की, मिलते हैं अगले वीडियो में।